इट्स व्हेन आई एम बैक विद यू गाइस। और आज हो रही है बारिश थोड़ी सी, और आज आप लोग के साथ मेरा कुछ इरादा है स्टोरी टेलिंग का भी, तो वो भी मैं करती हूँ कहीं जाके, लेकिन अभी मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रही हूँ, तो उसके बाद आई गेस मैं आप लोग के साथ स्टोरी टेलिंग का प्रोग्राम करूँ। तो देखते हैं ये वीडियो बेसिकली किस चीज़ की बनती है, हैंग आउट की या स्टोरी टेलिंग की या कॉमन व्लॉग या सीरियस, मुझे भी नहीं पता अभी, बस मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो बड़े नाइस वीडियो के साथ एंड लेट्स गेट इनटू इट। बारिश मुझे अच्छी लगती है बहुत, आपको पता ही है ये बात, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता मुझे ये पकड़ना हर वक्त का, मतलब लाइक यार मैं नहा भी नहीं सकती, सर्दियों की बारिश है, मेरे को ठंड लग जाएगी, तो लेके चलनी पड़ रही है। अब इसके चक्कर में मुझे ये बैग लेकर आना पड़ा है, वरना मैं सोच रही थी कि मैं दूसरा बैग लेकर आऊँ, छोटा सा सिंपल सा, बट नहीं, बाहर निकल के देखा तो बारिश हो रही थी, तो फिर लेनी पड़ी मुझे ये छतरी, और बैग भी चेंज करना पड़ा। अरे सिग्नल खुला हुआ है, वेट अ सेकंड। मैं वेट कर रही हूँ अपनी ट्रेन का, और जब तक ट्रेन नहीं आ जाती मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों की दोबारा से कोरियन क्लास स्टार्ट कर दी जाए, और आज आप लोगों को कुछ कोरियन वर्ड्स सिखाए जाए। तो अभी ऐसी मेरी दोस्त का मैसेज आया था, तो मैंने सोचा कि मैं, मतलब उसको मैंने रिप्लाई किया कि मैंने तुम्हारा मैसेज रिसीव कर लिया है, तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों को यही चीज़ सिखाऊंगी कि किस तरीके से बोल सकते हैं। तो बेसिकली रिसीव के लिए वर्ड यूज़ होता है भादसोयो, भादायो, इस तरीके से हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। जब हम रिसीव्ड करते हैं सेकेंड फॉर्म में, तो हम उसको कहते हैं भादसमिदा या भादसोयो। तो अगर आपको किसी को बोलना है कि आपको उसका मैसेज मिल गया है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो मैसेजेबल छाल भादसोयो। सो ये फॉर लाइक डिड यू अंडरस्टैंड, किसी से अगर बोले तो आप ये बोल सकते हैं कि मैसेजेबल छाल भादसोयो, छाल भादसमिदा। सो अगर आपको किसी का मैसेज आता है और आपको उसको रिप्लाई करना है कि आप को उसका मैसेज मिल गया है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं मैसेजेबल छाल भादसोयो। सो ये था आज आप लोगों का लेसन, और आज आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा, और आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और नीचे कमेंट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग, मैं यहाँ भी लिख दूँगी किस तरह बोलते हैं, और अपने दोस्तों का जब मैसेज आए या किसी का कुछ भी मैसेज आए, आप कुछ रिसीव करें, तो आप ये बोल सकते हैं कि भादस्य या भादस्य मिला, ये चौ। ये था बेसिकली आज का मैसेज, और आई गेस ट्रेन आने वाली है, तो मैं बैठती हूँ पहले, और उसके बाद आप लोगों से पहुँच के बात करती हूँ। सो गाइस पहुंच गई वहां जहां मुझे आना था, बेसिकली इंचन है ये, और आजकल कुछ ज़्यादा ही इंचन आ रही हूँ मैं, मेरा आए दिन का इंचन आने का चक्कर लगा हुआ है। स्टेशन दिखाती हूँ, ऊपर लिखा हुआ हुआ दीवान स्टेशन, खैर ओके दिखाती हूँ, सही से स्टेशन दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है बेसिकली जुआन स्टेशन, और यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स रहते हैं, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स बन गए बेसिकली यहाँ पे ना इंचन में, तो इसलिए मुझे इंचन आने जाने का लगा रहता है। आज मौसम बड़ा मज़े का हो गया है क्योंकि बारिश हुई है, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अरे यार मुझे किस साइड पे जाना है, हाँ खोगी खाया थे ओके। सो गाइस आज भी जो टेम्परेचर है वो 23 तक गया था, और आज बेसिकली 16 नवंबर है, और 23 तक टेम्परेचर गया है, मतलब मिड ऑफ नवंबर में भी, तो ऐसा लग रहा है लाइक सर्दियाँ भूल गई पता कोरिया का, आ ही नहीं रही, आ रही है जा रही है, मतलब तो थोड़ा सा एक दो दिन हुई थी सर्दी, उसके बाद दोबारा ख़त्म हो गई, आज शायद बारिश हुई है तो अब सर्दी पड़े। जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब मैं इस ड्रेस में यहाँ घूम रही हूँ, इसी ड्रेस में, इमेजिन, मतलब मैंने, मतलब हमारे लॉन्ग कोट्स वाला दौर आया ही नहीं है अभी, सही से देखा जाए तो पहन लेते हैं कभी कभी जब बीमार होते हैं एहतियातन, बट वैसे नहीं आया। सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, और मेरे मूड अच्छे होने के पीछे का रीज़न जो है वो बारिश है। आप लोगों को तो पता ही है, जब भी बारिश होती है मेरा मूड एकदम अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं है, मतलब लाइक बारिशों में रोई भी हूँ, मतलब मैं ऐसे भी दिन देखे हैं मैंने जिसमें मैं बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ मैं भी रो रही हूँ, लेकिन आज मेरा मूड अच्छा है, बस इतना कह सकते हैं। तो आज मेरा मूड अच्छा है, तो हम जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ मिलने, गपशप लगाने कैफ़े में, और उसके बाद मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ आज एक स्टोरी शेयर करूँगी, और वो स्टोरी बेसिकली हॉरर है। सो ना अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है हॉरर स्टोरी सुनने में, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, वैसे तो अगर मैंने रिकॉर्ड कर ली तो इसी वीडियो के साथ मैं ऐड कर दूँगी वो, लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी तो
तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने साथ जो हॉरर सीन्स हुए हैं, लाइक हॉरर स्टोरीज हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हॉरर स्टोरीज सुनने में तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बेसिकली फनी प्लस हॉरर है, तो मज़े का ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भूत वाला सीन है, तो भूत वाला सीन इतना भी नहीं है, फनी प्लस हॉरर है। तो अगर आप लोगों ने सुननी है वो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने वो स्टोरी सुननी, तो फिर मैं वो रिकॉर्ड करूँगी। और अगर आज ही मैंने कर ली तो भी ऐसी बात है, एडिट करके डाल ही दूंगी किसी ना किसी दिन। गाइस एकदम से हवा चल रही है, अब ठंड लग रही है मुझे। मैं जैकेट भी लेके नहीं आई हूँ, मतलब मैं कुछ ऐसा लेके नहीं आई हूँ, और मेरा युवा आगे से बहुत ज़्यादा खुला है और हवा चल रही है। अब सर्दी लगेगी मुझे घर जाते हुए। ऊपर जा रही ना, ये भी मेरी ही फ्रेंड की गैदरिंग में है। मैं यहाँ से गुजर सकती हूँ? लेट मी चेक, मैं इतनी दुबली हो गई कि मैं यहाँ से गुजर सकती हूँ। यहाँ से गुजर के हम जाएंगे। कैफे तो अच्छा लग रहा है। कैफे बेसिकली 3 फ्लोर्स का है, तो मैं ना अभी जब तक मेरा ऑर्डर तैयार हो रहा है ऊपर जा रही हूँ चेक करने के और क्या क्या है इस कैफे में। लेट्स सी, अच्छा लग रहा है यार। गाइस गाने बज रहे होते हैं, बंदा रिकॉर्ड क्या करे, मतलब आप लोगों से मुझे बात करनी है बट मैं नहीं कर सकती क्योंकि गाने बज रहे हैं। छुप जाओ। ओहो मेरे मेकअप पर, मुझे लगा कोई नहीं था, मैं इतनी तेज़ आवाज़ में बोलने लग गई, फिर मैंने देखा लोग बैठे हैं। यार सबसे अच्छी बात पता क्या है, बैठ के वीडियो बनाते हैं, चले बार बार बनाते हैं, रेडी होते हैं साथ में। गैस ऐसा ना मेरे पास एक घर पे होना चाहिए। ब्लैक पेंट है तो मेरा काजल ना पेंट है क्योंकि मेरे पास अभी टिश्यू नहीं है।
찍어도 돼요? 감사합니다. 여기는 무슨 모임이신가요? 그냥 언어 교환. 랭귀지. 랭귀지. 아, 어, 네. 아, 어디서 오신? 어, 파키스탄 사람이요. 필리핀? 파키스탄. 파키스탄. 아, 한국말 되게 잘하시네요. 감사합니다. 네. 여기 옆에 발루 पड़े हैं सारे. 이게 뭐지? 저희에. मैं अभी बताती हूं आप लोगों को कि क्या हुआ. और मैं वहां से आ गई, बट मुझे ये थोड़े से भालू दिख गए जो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं. कप कप खाने का दिल कर रहा है इनको. ये भी क्यूट ही है ना, इतना सॉफ्ट है. अरे कितने के हो तुम यार? लिखे हुए कहाँ हैं प्राइस? 8000? नहीं, 8000 रुपये महंगा है गाइस. ये भोपाल है, चाहिए सब चाहिए. क्यों क्यों क्यों? चलो आ जाओ, बच्चों के खिलौने वाले उसमें घुसे हुए. तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली हुआ क्या था. मैं गई थी कैफ़े, कैफ़े मैंने आप लोग को दिखाया. और कैफ़े में हम लोग जो नहीं है फ्लोर्स थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ना. और हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग अपने मतलब एक बातें कर रहे थे, हमारा ग्रुप था ठीक है. फिर जो नहीं उसमें एक बंदा वहाँ पर आया खड़ा हुआ, जिसकी मैंने वीडियो बनाई है आप लोग को भी दिखाया था. तो उसने स्टार्ट करा बोलना कि मैं कॉमेडी करूँगा 10 मिनट. तो मुझे मतलब मुझे जितनी समझ आई उस टाइम मैंने ज़्यादा सुना नहीं कि वो क्या बोल रहा है. तो मैंने हाँ हाँ ठीक है, मैंने अपना कैमरा ऑन किया. उसने मैंने पूछा, उसने बोला आप वीडियो बना रहे? मैंने बोला हाँ. तो क्या मैं बना सकती हूँ? तो उसने बोला हाँ बना सकते हो ना. एक मिनट, कपड़े भी दिख रहे हैं. तो गाइस ये हुआ कि ना उसने स्टार्ट, उसने बोला कि मैं कॉमेडी स्टार्ट करूँगा. तो मेरी कॉमेडी जो है आप लोग चुनिए, 10 मिनट मुझे मतलब दीजिएगा. तो सब लोग ना फिर वो पूछने लगा, जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी तो वो पूछने लगा कि आप लोग किस लिए बैठे हैं. तो मैंने बताया कि हम लोग लैंग्वेज एक्सचेंज के लिए आए हैं. फिर उसने दुर्गा वगैरह बात करी. और फिर मेरी फ्रेंड्स मुझे लेके मतलब सबको लेके जितने भी हम लोग वहाँ बैठे थे सबको लेके ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई. मतलब नहीं सुनी वो कॉमेडी. तो मेरा ये था कि मुझे सुननी थी ना कि मुझे क्या है ना. जब मैं ऊपर आई तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने जो है वो वर्ड यूज़ किया था जो मैंने सुना नहीं, थोड़ी सी हाई लेवल वालों की जो हमारे लिए नहीं है. मुझे उसने बताया जब, तो मैंने बोला है एक तो मुझे समझ आती नहीं आधी से ज़्यादा, क्योंकि कॉमेडी समझना मुश्किल काम होता है किसी भी लैंग्वेज की. और वो कॉमेडी कोई डिफरेंट लेवल की कॉमेडी करने वाला था. तो इसलिए मेरी फ्रेंड मुझे लेके वहाँ से निकल गई. हम लोग ऊपर आए, बैठे, बातें करी और अब मैं वापस घर की तरफ जा रही हूँ. तो ये सीन हुआ था गाइस. मतलब मैं कभी कभी ना मतलब आपको लैंग्वेज आती है भले से जितनी भी आती है, एक्साइटमेंट के चक्कर में आप थोड़े से पागल हो जाते हो. आपको नहीं पता होता, मुझे सुनना था मतलब मुझे कॉमेडी सुननी है, मुझे पता ही नहीं वो कॉमेडी कौन सी वाली करने वाला है. खैर मेरी फ्रेंड थी शुक्र है साथ, क्योंकि कोरियन थी, उन्होंने मुझे उठा लिया वहाँ से और मैं चली गई. वरना इमेजिन अगर मैं उसकी कॉमेडी सुन रही होती वहाँ और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता और मैं हंस रही होती तो क्या होता मेरा. और मैं रिकॉर्ड करके उसे लगा देती और कल तो कोरियंस देखते हैं ये क्या सुन के हंस रही है, तो क्या होता मेरा. खैर नहीं हुआ, बचा लिया मेरी दोस्त ने मुझे. मतलब मैं मजे मजे से कॉमेडी सुनने बैठ रही हूँ कि मैं कॉमेडी सुनूंगी, मुझे पता ही नहीं कि कॉमेडी करने कौन सी वाला है वो. खैर शुक्र बचत हो गई मेरी. और मैं वीडियो बनाने मतलब लाइक मुझे पता नहीं क्या शौक आता है. मैं आप लोगों के लिए, मुझे आप लोगों को दिल करता है ना मैं हर चीज़ आप लोगों को दिखाऊं. तो मैं फ़ौरन कैमरा खोल के बैठ जाती हूँ. उस टाइम भी मैं कैमरा खोल के बैठ गई, मुझे पता ही नहीं था कि वो क्या करने वाला है. हाँ शुक्र है शुक्र है शुक्र है, मेरी दोस्त ने मुझे बचा लिया गाइस. आज मेरी सही की गंदी होने वाली थी. खैर बचत हो गई. सो गाइस आई होप आप लोगों को जो मैंने आज कहा शुरू में वर्ड सिखाया था वो भी अच्छा लगा होगा, मेरा आज का दिन भी अच्छा लगा होगा और ये स्टोरी भी अच्छी लगी होगी. कि कभी कभी इस तरीके के फ़नी सीन्स भी हो जाते हैं. और अगर आप लोगों ने वो हॉरर वाली स्टोरी सुननी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, गो टू माय इंस्टाग्राम पेज, वो चैनल एज वेल सपोर्ट देयर एज वेल. एंड देन आई लव यू, बाय बाय.